योगी जी कहाँ मुंह छुपाए बैठे हैं, कहाँ आप बैठे हैं, बाहर निकलिए और देखिए जनता में क्या हो रहा है, आपके यूपी में क्या हो रहा है। आए दिन बच्चों के साथ बलात्कार होता है और उनका मर्डर कर दिया जाता है और आप तमाशा देख रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं, वोट बैंक के लिए आप लोगों को अलग कर रहे हैं। तो अब ये आवाज़ रुकेगी नहीं। दलित हैं अगर उन्होंने एक की जीभ काटी, आज मैं यहाँ पर कह रही हूँ, मैं आवाज़ उठा रही हूँ, मेरी जीभ काट के दिखाइए, मैं भी आवाज़ उठा रही हूँ और मैं लड़ूंगी आखिरी सांस तक। आप हमको भी रोक के दिखाइए, सबको रोकिए, रोकना है तो सबको मारिए, मरना है तो, लेकिन आवाज़ ये रुकेगी नहीं। मेरा नाम लियाकत अली है। किस संदर्भ में आए हैं सर? मैं आज जो संदर्भ में आए हम लोग, वो पूरे भारत में सब जगह आवाज़ उठ रही है, शोर मच रहा है, लेकिन ये आवाज़ और ये शोर शायद हमारी सरकारों के कानों तक नहीं पहुंच रहा है। शायद या तो वो गूंगी बहरी हो गई हैं या ऐसा कुछ हो गया है कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या था। जब केरला में एक हथनी मर जाती है तो पूरी मीडिया भागती फिरती है, प्रधानमंत्री तक को खबर होती है, सुशांत सिंह की पूरी दुनिया में खबर है। ये जो कंगना रावत है, इसका बहुत मसला चल रहा है, ये बहुत बड़े बड़े मसले हैं, कोरोना का कोई मसला नहीं है। इसी तरह से मनीषा कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो दलित की बेटी थी। अगर वो और कोई मसला होता तो शायद मीडिया क्या सारे के सारे लोग वहीं होते। तो कल जो नेशनल मीडिया है, उन्होंने जो हाथरस की न्यूज है वो भी गलत ढंग से पेश की, इसका क्या कारण हो सकता है सर? ये देखिए, मीडिया क्या है, मीडिया सिंपल है कि ऐसी दुकान है जो जहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है वो बिकती है, और वही हो रहा है। मीडिया गरीबों की थोड़ी है, इतने लोग जो है पलायन कराता है इंडिया में, उनको किस मीडिया ने दिखाया क्या हुआ? आज सरकार के पास डाटा तक नहीं है कि कितने लोग मारे गए, जबकि करोड़ों लोग माइग्रेट हुए। मीडिया तो सिर्फ जो है अपने अपने चीज़ों को दिखाती है, जो सरकार चाहे या जिससे उन्हें पैसा मिलता हो। हम गरीबों की कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा, इसीलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बहुजन समाज को क्या करना चाहिए कि उनकी आवाज़ सुनी जा सके? देखिए, बहुजन हर समाज को, मैं ये समझता हूँ कि सरकारों को हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 साल बाद वोट चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमारा समाज जिस दिन जागरूक हो गया, उस दिन ये लोग हमारे पीछे पीछे फिरेंगे। हम इसको जब ये वोट मांगना है तो मैंने बोला है कि इन लोगों के मुंह पर एक सिक्का फेंक के मारो। हम नोट दे सकते हैं एक, लेकिन वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वोट देने के बाद ये 5 साल हमारे सर पर, हम ही लोगों को नुकसान करते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इन लोगों का ये वोट। हम अपील करेंगे अपने समाज से कि आने वाले वक्त में बिल्कुल इन लोगों को चुन चुन के देख लीजिए कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज खामोश हैं। इन पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल, इन निकम्मी पार्टी उसको बिल्कुल निगलेक्ट करें अपनी तरफ से। क्या आपसे, आपके हिसाब से उस बेटी को न्याय मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सभी जगह, तो उनको दबाया जा रहा है कहीं ना कहीं, क्या उनको न्याय मिल पाएगा? देखिए, लीगल वे में तो न्याय की गुंजाइश कम हो गई है, क्योंकि इस सरकार ने पहली बार ऐसा हुआ है कि हॉस्पिटल से बॉडी को माइग्रेट किया गया डीएम के थ्रू और रात को 2:30 बजे उस बॉडी को जला दिया गया। अब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग अब भी खड़े हुए हैं, उस बेटी के साथ खड़े हुए हैं, उस समाज के साथ खड़े हुए हैं। हम अब भी इंसाफ लेकर मानेंगे। इनकी कोशिश है हमारी आवाज़ों को दबाने की, लेकिन ये दबने वाली नहीं है आवाज़ें। ये जितनी दबाएंगे उतनी ही आवाज़ उठेगी। आज कुछ उच्च वर्ग के लोग भी थे जो हाथरस में उन्होंने प्रोटेस्ट किया है आरोपियों के समर्थन में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहता हूँ कि हमारे भारत में ये ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ अच्छे लोग भी हैं। राजनीति ने तो हर बार समाज को तोड़ने की कोशिश की नहीं, है नहीं, सर आप समझे नहीं, मैं समझ रहा हूँ। आरोपी हैं उनके समर्थन में उन्होंने किया है कि अच्छा, वो आरोपी नहीं है, इसका यही है। हाँ, अगर ये जो है ना, वहाँ पर यूपी में तो गुंडा राज है, तो जहाँ गुंडा राज होगा वहाँ तो गुंडों का साथ दिया जाएगा। लोगों को गुंडा राज को जो वो आप ये बताइए ना, योगी का तो सबको पता है, अमित शाह का सबको पता है, बे औलाद मोदी, तो इनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो साथ देंगे ही देंगे, ऐसे पाप करने वालों को और बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि 10 दिन बाद जब FIR हुई है, 10 दिन तक उन लोगों ने मिलके रोटियां खाई हैं मजे से बैठ के, सारी पुलिस
दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस का भी कल हाथ था जब इसकी बॉडी को यहाँ से भेजा गया है, तो सेफ्टी के साथ दिल्ली पुलिस का भी होना चाहिए था कि उनको भी पहुँचाना पड़े। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और ये बीजेपी सरकार सब गुंडा राज है। और देखिए ताज्जुब की बात क्या है, आप ही जो कह रहे हैं कि भाई उनके समर्थन में, यानी रेपिस्ट के समर्थन में भी लोग हैं। देखिए हम कहाँ पर पहुँच गए, एक बच्चे का रेप होता है, उसकी जबान काट ली जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसको अधमरा छोड़ दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसकी बॉडी को भी रातों रात इधर उधर कर दिया जाता है, और रेपिस्ट के साथ जो है समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। हम कहाँ पहुँच गए, कठुआ की याद आती है हमें, बिल्कुल कठुआ की, इससे हमें कठुआ की घटना याद आती है। कठुआ के अंदर किस तरह से तिरंगा लेके अपराधियों के पक्ष में जो है ना रैली निकाली गई थी, ये पूरी दुनिया ने देखा था, और उन जिन लोगों ने रैलियां निकाली थी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि जो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे दोषियों के खिलाफ, उनको देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही थी। और यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में सबसे ज़्यादा नीचे गिरी हुई कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज अपराधी जो है बिल्कुल जो है बेखौफ होकर घूम रहे हैं, उन्हें मालूम है कि पुलिस का संरक्षण हमें है, उन्हें मालूम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संरक्षण हमें है, उन्हें मालूम है कि ये बचा लेंगे हमें, ये विश्वास है, अन्यथा SHO को मार दें सुबोध को, और उनके कातिल खुले घूमते रहें, ये हो सकता है क्या किसी भी राज्य में? मतलब योगी का नाम खौफ का नाम है, तो वो खौफ होना चाहिए अपराधियों के लिए, वो खौफ जो है वो वहाँ की जनता के लिए खौफ क्यों है? वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये हाल है कानून व्यवस्था का, वहाँ के अपराधी खुले घूम रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं, और वो ये जानते हैं यहाँ कि हमारी हमें बचा लेगी सरकार, इसलिए जाके 15 दिन तक FIR नहीं हुई। अभी भी जाके उसकी, उस बच्ची की जवान नहीं कर सकती थी वो, उसकी जीप काट दी गई थी, और हमारे उत्तर प्रदेश के IG, उत्तर प्रदेश के SPA कहते हैं कि नहीं वो तो रीढ़ की हड्डी में थोड़ी चोट लगी थी इसलिए नहीं बोल पा रही थी। तो उसका अब ये तो आगे खुलेंगी चीज़ें, अगर ये जनता खड़ी नहीं होती, अगर दलित समाज खड़ा नहीं होता, अगर देश की जनता वहाँ पर इंसाफ के लिए खड़ी नहीं होती, तो निश्चित रूप से ये घटना दबा दी जाती, दबा नहीं पाएंगे अब इस घटना को, उन्हें इंसाफ देना पड़ेगा। मैं दूसरी बात एक और कहता हूँ कि सरकार ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाती कि अपराधियों के मन में खौफ हो कि हम बलात्कार करेंगे तो हमें सजा मिल जाएगी? वो कैसे इस बात को सोच लेते हैं कि हम बलात्कार कर जाएंगे, सामूहिक बलात्कार कर जाएंगे और हम बच जाएंगे? ये सोच भी कैसे पैदा होती है अपराधियों के मन में? तो अपराधियों को ये खौफ होना चाहिए सरकार का, अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए कानून का, अपराधियों के मन में खौफ नहीं है कानून का, शरीफ आदमी के मन में खौफ है कानून का। तो ये जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, ये लोगों में और ज़्यादा आंदोलन पैदा होगा इस घटना के, इंसाफ उनको करना पड़ेगा, कानून को इसका इंसाफ करना पड़ेगा। और हम किसी भी पुलिस को, किसी भी फोर्स को हम ये कहेंगे कि ये राजनेता तो बदलते हैं, जनता नहीं बदलती है। आपको जो पैसा मिलता है जनता के टैक्स से मिलता है, आप काम करें जनता के लिए करें, योगी मोदी या किसी और सरकार के लिए काम ना करें। ये यहाँ के IAS IPS और दूसरे लोगों को है, बिहार का उदाहरण हमारे सामने है, वहाँ के DGP महाराष्ट्र की उसके लिए FIR करते हैं और अपने आदमियों को वहाँ भेजते हैं। आज उन्होंने रिटायरमेंट भी नहीं आई, उन्होंने VRS ले लिया और जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर ली। तो इसका मतलब कि वो ना तो सुशांत के लिए काम कर रहे थे, ना वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ काम कर रहे थे, ना वो बिहार की जनता के लिए काम कर रहे थे, ना वो महाराष्ट्र की जनता के लिए काम कर रहे थे। अगर वो काम कर रहे थे तो वहाँ के जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे थे। और यही उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है कि यहाँ की भी सरकार, यहाँ की योगी और मोदी की सरकार के लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम नहीं कर रही है। जनता को इंसाफ चाहिए, और जनता को जो इंसाफ के बीच में आएगा जनता उसको उखाड़ के फेंक देगी। ये हमारा संदेश है। धन्यवाद।